गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके लीजिए। जय हो जय हो। और गुरुजी मैं आपको अपने भाई के रूप में देखती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। एक प्रश्न है, जिस घर में राम दरबार होता है और वो राम दरबार किसी कारण टूट जाए तो वो उस पे मतलब उस घर में कोई लड़की या कोई बहू बन के आती है और वो चाहती कि मेरा कुल था, मेरा दरबार था, वो टूट गया और पूरा घर बिखरा बिखरा रहता है, तो कैसे कृपा हो कि तुरंत वैसा ही दरबार घर में उपस्थित हो जाए, उपस्थित हो जाए मतलब बन जाए या मतलब हो जाए, प्रकट करवाना चाह रहे, जैसी कृपा भगवान जी की हो बस हमारे घर में राम दरबार आना ही चाहिए। बहुत अच्छा है। देखो अगर खंडित हो जाए, टूट जाए, तो सरकार से क्षमा मांग कर और श्री रामचंद्र स्तुति करके जी जी आप किसी संत द्वारा या आपके मनोभाव में जैसे भी भगवान की विग्रह का रखने का भाव है जी, या तो तीर्थ स्थल से लाइए या किसी संत द्वारा आप जो है ला करके घर पर रख दीजिए, जिससे आपका मनोभाव भी पूर्ण होगा और मन की गिलानी भी दूर होगी। सर अरे गुरुजी जैसे उनको मंदिर से अलग किया तो उनके प्रभाव से हम लोग की जमीन जगह ही अलग हो गई, घर नहीं बन पाया, तो कृपा ऐसे होगी जब घर बनेगा तब उनको विराजमान करें या किसी मंदिर में उनको विराजमान करें। अभी आप रहते तो होंगे ही जी रेंट पर, जहाँ रहते हैं किराए पर वहाँ पर सरकार को बैठाओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिन वो भी आपके साथ किराए का मजा लेंगे। बिल्कुल जय जय श्री राम, मन की दुविधा सरल हुई। तो किराए में जब रहेंगे तो उन्हें खुद टेंशन हुई है कि इनका जल्दी मकान बनना चाहिए, कब तक किराए में रहेंगे, और किराए वाला स्थिर नहीं रहता है।